नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपके स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में शराब खरीदने वालों को अब बिल मिलेगा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, 1 सितंबर से प्रभावी होगा आदेश। तो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही, ठेकेदार को 1 साल तक रखनी होगी कैश मेमो कॉपी। शराब खरीदने वालों को अब बिल मिलेगा। जहरीली शराब मामले में बनी SIT ने सिफारिश की थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है, मध्य प्रदेश में शराब खरीदने वालों को अब बिल मिलेगा। जिस तरीके से अधिक दामों पर शराब को बेचा जाता था, उस पर भी कहीं ना कहीं अब लगाम लगेगी और 1 सितंबर से जो नए आदेश हैं वो प्रभावी होंगे। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, शराब खरीदने वालों को भी अब बिल मिलेगा और ठेकेदारों को 1 साल तक कैश मेमो कॉपी जो है वो रखनी होगी। जहरीली शराब मामले में बनी SIT ने सिफारिश की थी और अब SIT की सिफारिश के बाद इस फैसले को मान लिया गया है। मध्य प्रदेश में शराब खरीदने वालों को अब बिल मिलेगा और कहीं ना कहीं इस बात पर भी कमी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से दामों को बढ़ाकर शराब की बिक्री की जाती थी, तो इसी बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से यहां पर अब शराब खरीदने वालों को भी बिल मिलेगा, इस बिल मिलने से क्या कुछ फायदे जो है वो होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जहरीली शराब से जो मौत कांड हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्री समूह की और इसी समिति की अनुशंसा पर, मतों की अनुशंसा पर यह नया नियम 1 सितंबर से लागू किया जा रहा है कि प्रदेश भर की जो भी शराब दुकानें हैं, चाहे वो विदेशी शराब हो चाहे देशी शराब हो, अगर शराब की खरीदारी होती है तो उसका बिल अनिवार्य होगा। और ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई दुकानदार बिल नहीं देता है, शराब विक्रेता बिल नहीं देता है ग्राहकों, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की और उसका लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। ये पूरा फैसला जहरीली शराब कांड की वजह से मंत्री समूह की जो समिति थी उसकी अनुशंसा के बाद लिया गया है। जी।